तो आज मैं बनाऊंगी पपैया शेक। उसके लिए हमें चाहिए एक पपैया। अब हम पपैया को कट करेंगे। खाता पता नहीं इसमें क्या हो गया है, फुफुंद आ गई। फुफुंद है, मैं तो हाथ दुखे। तो हमारा पपैया कट हो चुका है, जहाँ जहाँ व्हाइट व्हाइट वहां से थोड़ा सा खराब है, तो इसको मैं कट कर लूंगी। इसमें बीज ही नहीं है। बीज होते हैं ना, कहाँ पे। डन डन, इतना पपैया मैं रख देती हूँ, इसको ज्यादा ही हो रहा है। पीसेस करके रख, पीसेस। तो मैंने पपैया इसके अंदर थोड़े से पीसेस, हाँ इतने इनफ है। दूध को मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा, फ्रीजर में। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चाओ चाओ, चीनी कम ही डालें और थोड़ा नेचुरली रखना। तो चाय को भी दिलाई थी। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी और पपैया डालूंगी। दिस पर बहुत टेस्टी। ये शेक से ज्यादा मुझे लगता है स्मूदी बन गई है, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है, सो आई विल ड्रिंक इट। अगर आपको शेक पसंद है तो पपैये थोड़े कम डाले। मैं थोड़ा पपैये को छोटे छोटे पीस करके डालूंगी, सो दैट उसमें जो व्हाइट्स में पीसेस आएंगे छोटे छोटे, मुझे वो बहुत पसंद है। सो आप लोग भी जरूर ट्राई करना। फॉलो फॉर मोर रेसिपीज लाइक दिस। बाय बाय।